तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले एथिक्स और मॉरल, और उसके बाद हम लोग देखेंगे साइबर क्राइम। एथिक्स और मॉरल एक दो मिनट में खत्म कर दूंगा। तो हम लोग देखते हैं पहले एथिक्स क्या होता है। एथिक्स मतलब कि सही गलत की पहचान करना, और मॉरल भी सेम होता है, लेकिन एथिक्स हम लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं अपना, जैसे कि डिसिप्लिन में रहना, ये सही बात है, अच्छी बात है। और एथिकल बिहेवियर होता है कि मतलब कि अच्छाई से रहना, और एथिकल हैकर मतलब अच्छाई के लिए काम करना। एथिकल हैकर के कोर्स भी होते हैं, आपने देखा रहेगा, और सेमिनार्स भी होते हैं, आपने देखा रहेगा। एथिकल हैकर अच्छे के लिए होता है, जैसे कि गवर्नमेंट के लिए काम करता है। और मॉरल हम लोग को बताया जाता है कि ये चीज़ गलत है, सोसाइटी से अपने को मालूम पड़ती है कि सही है गलत है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, मॉरल आर डिक्टेटेड टू द सोसाइटी कल्चर एंड रिलीजन। हम लोग को मालूम पड़ता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, और हम लोग खुद से गवर्न करते हैं अपनी लाइफ। हम लोग मतलब अच्छे के हिसाब से चलते, अभी कोई रहते हैं जो बुरे के हिसाब से चलते, लेकिन हम लोग अच्छे से चलते हैं, वो एथिकल बिहेवियर होगा। और मॉरल मतलब उसी जो अच्छा ही है, हम लोग को मालूम पड़ा ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी, तो हम लोग अच्छा ही रास्ते चल रहे, वही हुआ मॉरल। अभी आपको समझ में आ गया एथिक्स मतलब कि हम लोग खुद से सिलेक्ट करते, ये अच्छा है चलो अच्छा जाता है चलो ठीक है। और मॉरल मतलब अच्छा और बुराई की पहचान करना। एथिक्स हम लोग खुद से सिलेक्ट करते हैं, और मॉरल हम लोग को सोसाइटी से डेडिकेट होता है, जैसे कि सोसाइटी से हम लोग को बताया जाता है ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ गलत है। और फिर हम लोग को देखो इसमें है ना डूज एंड डोंट्स भी, मतलब ये चीज़ कौन सी अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये हम लोग को आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, या फिर उसके अगले के वीडियो में। तभी हम लोग देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम आपको मालूम है साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम मतलब कि कंप्यूटर से किया गया क्राइम, सिंपल वे में बोले तो। अभी इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है साइबर क्राइम के लिए। तो अभी इसको हम लोग साइबर क्राइम बोलते हैं, ई क्राइम बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम। और फिर हाईटेक क्राइम मतलब अच्छे से प्लानिंग वगैरह करके कंप्यूटर से क्राइम करना। और ये आम यूज़र के बस की बात नहीं, जैसे कि अभी आपने देखा है जो हैकर रहते हैं वो कितना फास्ट टाइप करते हैं, जिसको बहुत सारी नॉलेज है कंप्यूटर की, पूरा कंप्यूटर का पूरा का पूरा नॉलेज है, वो कर सकता है। हैकर उसको ही बोला जाता है जिसको पूरा कंप्यूटर का नॉलेज है, और वो इलीगली यूज़ कर रहे हैं, मतलब इलीगली किसी का कंपनी को हैक कर रहा है, कंपनी का डेटा चुरा रहा है, इलीगली ये सब कर रहा है। लेकिन आपने देखा रहेगा एथिकल हैकर रहते हैं, वो हैकर को पकड़ने के लिए काम करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसको सिक्योर बनाने का काम करता है, कि उसको पता करता है कि कहाँ से हैक हो सकता है, उसको सही करता है। तो डिफरेंट तरीके रहते हैं। तो अभी देखो इलीगल हैकर, हैकिंग क्या होता है आपको मालूम है, हैकर मतलब कि किसी का चीज़ चोरी कर लेना कंप्यूटर से, जैसे कि इसमें दिया हुआ है हैकर हुई इलीगली ब्राउज और स्टील अ कंपनी और इंडिविजुअल प्राइवेट, जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेती है वो इलीगली ले लेता है कंपनी की या किसी की भी, और उसका मिसयूज़ करता है, या आपको बोलते हैं मतलब ऐसी सीक्रेट चीज़ मालूम पड़ गई, आपने देखा है टीवी में सीक्रेट चीज़ मालूम पड़ गई तो उसको टॉर्चर करते हैं कि पैसे दे ऐसा, तो वो हैकिंग जैसा हो गया। हैकिंग मतलब इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन हैकिंग मोस्टली ऐसे इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए होता है, पैसे चोरी करने के लिए होता है, हैकिंग इसके लिए होती है जहाँ तक मैंने देखा है। अभी देखो साइबर क्राइम ऐसा चीज़ है कि आप पर्सनल जो भी है, जो भी इंसान है, आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अभी सपोज़ किसी ने हैकिंग की, अभी क्या पता वो उसके कंप्यूटर से किया दूसरे को किसी के। अभी सपोज़ मैं हैकिंग करने वाला, मैं खुद का कंप्यूटर क्यों यूज़ करूँ, अभी मैं दूसरे किसी का कंप्यूटर यूज़ करूँगा तो वो फंसेगा जिसका कंप्यूटर है, मैं नहीं फंसूँगा। तो उसके लिए साइबर लॉ बनाया गया था कि उसका मतलब जिसका कंप्यूटर है उसकी भी गवाही ली जाएगी कि हाँ इसने यूज़ किया था, तो उसके हिसाब से अपन देख सकते कि किसने क्राइम किए। और फिर देखो अभी साइबर क्राइम के एग्जांपल है, इसके लिए जेल हो सकती है आपको। देखो सॉफ्टवेयर पायरेसी आपको मालूम ही रहेगा क्या होता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है, पेड सॉफ्टवेयर है, उसको फ्री में लेना क्रैक करके, या फिर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी ऑफ अनऑथराइज मीन्स एंड यूटिलाइजिंग दिस डेटा आइदर फॉर ओन और बेनिफिट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। मतलब अभी विंडोज़ इस सब एग्जाम्पल में ले लो, विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन ऑलमोस्ट 10,000 तक आता है, मेरे को मालूम नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, विंडोज़ का लाइसेंस वर्जन 10,000 का था। अभी वो 10,000 रुपये बचाने के लिए हम लोग प्राइरेटेड डाउनलोड करते हैं, जैसे कि आपने देखा रहेगा दुकान वाले को बोलते हैं 10,000 दे दो, हम लोग लाइसेंस वाला दे देंगे। अगर बोलते हैं 10,000 नहीं है तो बोलते हैं पायरेटेड डाउनलोड कर लो, पायरेटेड नहीं करना चाहिए, क्यों करके उसके आप उससे आपके ना इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। अभी लेकिन पर्सनल यूज़ करते हैं, अभी ज़्यादा कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन तो आप ले सकते, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए पायरेटेड। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल भी यही दिया हुआ है कि जो भी लाइसेंस हो उसकी कॉपी डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि मैं आपको बताया विंडोज़ का, विंडोज़ कुछ पैसे
कुछ लोग पैसे बचाने के लिए पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं या फिर किसी से खरीद लेते पायरेटेड, वो सस्ते में मिल जाता है इसके लिए वो खरीदते हैं, उसको सॉफ्टवेयर पायरेसी बोलते हैं। मतलब बिना पैसे दिए या फिर कम पैसे दिए हम लोग पायरेटेड डाउनलोड कर लेते हैं। और अनऑथोराइज एक्सेस, अनऑथोराइज एक्सेस मालूम है बिना पूछे एक्सेस लेना, जैसे कि सॉफ्टवेयर पायरेसी में भी हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। जैसे कि अभी मैंने कहीं पे फ़ोन रख दिया, उसमें मैंने पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया और किसी ने वो फ़ोन ले लिया, किसी को फ़ोन लगा दिया, कुछ गलत काम कर लिया वो फ़ोन से, तो कंप्लेन तो मेरे पे होगी, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो अनऑथोराइज एक्सेस कर लिया, बिना पूछे एक्सेस कर लिया और उसका इलीगल यूज़ कर रहे हो। अब इसके कुछ एग्जांपल भी दिए हुए, जैसे कि हैकिंग फाइनेंशियल बैंक, अभी हैकिंग करना, बैंक हैक होते आपको मालूम रहेगा, वो उसके बचाने के लिए हैकर रखे, इथिकल हैकर रखे जाते, तो वो बचाने के लिए भी रखे जाते, लेकिन हैकिंग करना, ये हैकिंग भी इसके अंदर आता है अनऑथोराइज एक्सेस में। और स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो सपोज़ मैंने कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन बनाया, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया और किसी और ने उसको लिया और किसी को दे दिया, मतलब सपोज़ मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं बहुत मुश्किल से बहुत इतना ढूंढ के मैं ऐसे लिख के लाया, एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लिख के लाया और मेरी जगह किसी और ने वो ऐसे लिख के दे दिया, या फिर अभी मैं टाइप किया पूरा कंप्यूटर से लिख के लाने को बोले, प्रिंट लेके आने को बोले, मैं प्रिंट लेके आया, मेरे बैग से किसी ने निकाल लिया और वो दे दिया टीचर को, तो ये इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल हुआ, सॉरी स्टीलिंग ऑर्गेनाइजेशनल इंटेलेक्चुअल इन्फॉर्मेशन हुआ। अभी इलीगल मॉनिटरिंग, आपने देखा है कि हम लोग ट्रेन में रहते हैं तो देखते कि क्या चल रहा है, मोबाइल में क्या देख रहा है, तो मतलब इतना खास नहीं होता, लेकिन इलीगल मॉनिटरिंग मतलब कि अभी सपोज सॉरी अभी हाँ ATM में आपने देखा रहेगा, ATM के पीछे किसी का खड़ा मत करो, जब ये पासवर्ड डाल रहे हो तो पीछे किसी को खड़ा मत रखो, आपने देखा रहेगा ऐसा बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर वो मॉनिटर कर लिया, पासवर्ड वगैरह देख लिया, तो वो आपके पैसे निकाल सकता है। और फिर इलीगल यूज़ ब्रेक, अभी लॉगिन पासवर्ड देखा रहेगा, आपने देखा रहेगा फेसबुक का इंस्टाग्राम का पासवर्ड रहता है लॉगिन करने के लिए, यूज़र नेम पासवर्ड, यूज़र नेम विजिबल रहता है लेकिन पासवर्ड विजिबल नहीं रहता, तो अगर किसी को पासवर्ड मालूम पड़ गया तो वो पासवर्ड लेके कुछ हैक कर सकता है, मतलब किसी को गलत गलत चीज़ कर सकता है वो। अभी एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने देखा रहेगा बीच में अमिताभ बच्चन जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, शायद से अमिताभ बच्चन जी का ही मालूम नहीं किसका, लेकिन ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, तो वो इलीगल यूज़ कर रहा था, फिर पता चला तो उसका उसने बोला कि उसका नंबर चाहिए था, वो जो भी सेलिब्रिटी है मेरे ख्याल से अमिताभ बच्चन ही है, उसका मोबाइल नंबर चाहिए था, इसके लिए हैक किया था, तो ऐसा उसके लिए जेल भी हो रही थी उसको। तो अभी इसके बाद किसी को इंटेंशनली मतलब हर्ट करना, जो सॉफ्टवेयर है सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया मस्त ऐसा अच्छा सा, और फिर उसमें मैंने किसी और ने वायरस डाल दिया और डैमेज कर दिया सॉफ्टवेयर को, तो ये हुआ कॉजिंग इंटेंशनल इरिटेशन। अभी इसमें लिखा हुआ है देखो डैमेज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को डैमेज कर दिया जो भी मैंने बनाया। और फिर कॉपीराइट वायलेशन, मतलब सपोज मैं इसका एग्जांपल दूँ, अभी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मैं सेम टू सेम बना दिया और मैंने बताया कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, आप इधर फॉर्म फिल कर दो या फिर मेरे को उससे पैसे कमाने, तो मैं बहुत सारे ऐड लगा दूंगा और उससे पैसे कमाऊंगा, तो कॉपीराइट वायलेशन हो गया। अभी देखो आपने देखा रहेगा गवर्नमेंट की वेबसाइट पे कॉपीराइट का सिंबल रहता है, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखो एक मिनट, देखो यहाँ पे कॉपीराइट का सिंबल है, नीचे देखो आपने देखा रहेगा हमेशा ये कॉपीराइट का सिंबल रहता है, तो मतलब कि ये ऑथेंटिक वेबसाइट, लेकिन कोई कोई ऐसा इलीगल यूज़ करने के लिए ऐसा जो भी फेक वेबसाइट है उस पर भी डाल देते, तो हमेशा ध्यान रखने का, गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो लास्ट में .gov.in आएगा या फिर .nic.in, ये दोनों में से कोई एक सब डोमेन रहेगा, तो इतना ध्यान रखना। और फिर क्रैकिंग, क्रैकिंग आपको मालूम रहेगा, ब्रेक कर देना जो भी सिस्टम है उसको ब्रेक कर देना, जैसे कि सॉफ्टवेयर है उसको ब्रेक कर दिया, मतलब बिना पूछे कुछ भी सब कुछ तोड़ दिया, उसका कोडिंग तोड़ दी, कोडिंग तोड़ के मतलब अच्छे खासे आपको मैंने बेकार कर दिया। या फिर एक और एक चीज़ है, वाईफाई हैक कर लिया, उसका क्रैक कर लिया, पासवर्ड मालूम कर लिया, अभी डिसिफर कर, मतलब उसको वो कोड को अनलॉक कर देना। अभी आपने देखा रहेगा व्हाट्सएप पे अपन मैसेज कर दे तो एनक्रिप्ट हो जाता है, जैसे कि एनक्रिप्ट मतलब बोले तो आपने ABCD लिखा है तो उधर 01455 ऐसा कुछ नंबर हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, तो वो एनक्रिप्ट हो गया। और फिर उसको एनक्रिप्ट से डी एनक्रिप्ट करने के लिए ऐप लगता है, लेकिन अगर किसी और ने वो डी एनक्रिप्ट कर लिया तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि आपने मैसेज किया। अभी हम लोग देखते हैं साइबर बुलिंग या साइबर स्टॉकिंग,
साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग क्या होता है मैम? अभी सपोज किसी का आपको ईमेल आया, उसमें लिखा है कि करोड़ों का जैकपॉट लग गया, और आपने आपकी डिटेल्स दे दी, बोलते कि 1 लाख रुपये और दो आपको करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो ये साइबर बुलिंग हो गया। आपने देखा रहेगा बहुत सारा केस आते रहते हैं, तो ये साइबर बुलिंग हुआ। और फिर फिशिंग मतलब किसी का इन्फॉर्मेशन चोरी कर देना, जैसे कि आपने देखा रहेगा फ़ोन आता है कि आपका हम लोग के पास डेटाबेस नहीं है, आपका डेबिट कार्ड का नंबर दे दो, ये दे दो, हम लोग उसको ठीक कर देंगे, आपके आप क्रेडिट कार्ड बंद हो जाएगा, आपको मेरे को नंबर दो, पिन दो, OTP आएगा वो दो, तो ये सब मांगते, वो फिशिंग हुआ। और फिर उसके उस हिसाब से आपको उन लोग पैसे निकाल लेते, बैंक से पैसे निकाल लेते। और फिर प्लेगरिज्म मतलब कि किसी और का चीज़ हम लोग प्रेजेंट करें, खुद का ना बता के, जैसे कि अपने मैं इधर ऐसे का एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मैं ऐसे लिख के लाया और सेम टू सेम किसी और ने लिख दिया, मतलब छोटा सा ऐसे एक पैराग्राफ का ऐसे मैं लिखा और फिर सेम टू सेम किसी और ने लिख दिया। मिस ने बोला कि सबका अलग रहना चाहिए, लेकिन सेम टू सेम किसी ने लिख दिया और फिर वो पहले उसने दे दिया, तो उसका माना जाएगा कि उसने लिख के लाया और मैंने उसका कॉपी किया, लेकिन वैसा उल्टा हुआ है ना, मतलब किसी और की चीज़ हम लोग की बताना। अभी रिपोर्ट भी सेम होता है, जैसे कि रिपोर्ट बनाया मैंने कि क्लास में इतने बच्चे मस्ती कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बनाया, और किसी ने वो रिपोर्ट मतलब मेरे कंप्यूटर पे बनाया, वो रिपोर्ट की प्रिंट लेके पहले टीचर को दे दिया, तो मतलब उसने बताया कि उसने बनाया, लेकिन बनाया मैंने, मेहनत मैंने की और उसने जो भी क्या बोलते उसको उसने उसका फल ले लिया। अभी हैकिंग तो आपको मालूम है, हैक कर लेना, चोरी कर लेना, और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। अनऑथराइज इंट्रशन, अभी इंट्रशन क्या होता है, मतलब बिना पूछे उसका जो भी चीज़ है, या फिर कंप्यूटर है, कंप्यूटर को बंद कर देना या कुछ भी कर देना। अभी सपोज मेरा कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, अभी मैं कुछ ऐप डाउनलोड किया और उसके अंदर वायरस है, वायरस आपको मालूम रहेगा कि वायरस बोल सकते हैं एक तरीके का बग रहता है उसके अंदर से वो वायरस डलते हैं, तो वायरस इसके लिए रहता है कि कंप्यूटर को ख़राब कर दे। अभी बीच में कुछ आया था, अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, वो वायरस का नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत सारे कंप्यूटर को ख़राब कर देते और उसके लिए पैसे मांगे थे उन लोगों ने। अभी इसमें लूप होल भी एक है, लूप होल मतलब कि अभी मैंने बहुत सारी कोडिंग की है, उसके अंदर एक छोटा सा मतलब कुछ कोडिंग रह गया, कोडिंग मतलब मिस हो गई, मैं इधर लिखना भूल गया, कुछ हो गया, तो वहाँ से मैं वायरस डालूँगा, वहाँ से मतलब हैकर वायरस डालेगा और कंप्यूटर को बंद कर देगा। जैसे कि आपने देखा होगा पायरेट रहते हो, तो पायरेट में हो सकता है कुछ गलती हो और उधर से उसने वायरस डाल दिया और कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो इसी तरह से होता है ये हैकर। अभी वायरस में आपको बताया हैकिंग कैसे होता है मालूम, जो बग रहता है, बग मतलब कि लूप होल रहता है कहीं पे, सपोज मैंने वेबसाइट बनाई उसके अंदर मैं कहीं पे कोडिंग करना भूल गया और मतलब सिक्योर करना भूल गया, क्विकल वगैरह आता है तो वो अपडेटेड नहीं रहता, अगर अपडेट करते रहते बैकएंड पे अपडेट करते रहते, लेकिन ऐसा कोई ना कोई तो रहता है वायरस जो उन लोग के हाथ से बच जाता है, तो वो हो सकता है वो हैक वो जो वायरस है वो कंप्यूटर में आ जाए और कंप्यूटर का पूरा ख़राब कर दे, तो हैकिंग होता है, कंप्यूटर को ख़राब कर देते, या फिर उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है जब भी इंटरनेट आएगा या फिर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो किसी और को भेजता रहेगा, हैकिंग होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए।